13, 14। शर्वरी वो ये 14 चांदी के सिक्के हैं जिन्हें तुम्हें संभाल के रखना है। पूजा के बाद फल और मिठाइयों के साथ एक एक सिक्का हर एक गोलनी को भेंट में देंगे। जी दादी जी। अब जल्दी से जाके तैयार हो जा, पंडित जी के आने में बहुत कम समय बचा है। हाँ चल जा। मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, अब ढूंढता रहा अपनी बुक। नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ है, मेरे पापा रमणीक अंकल के फ्रेंड हैं। अरे हाँ, मुझे बताया था आपके बारे में दादाजी ने। लेकिन यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मेरी बुक अभी वॉशरूम जाने से पहले यहीं पे रख के गया था, वापस आया तो यहाँ पे है ही नहीं। हमारे घर में बुक्स का शौक तो एक ही इंसान को है, मेरी ननन जागृति। शायद उसने यहाँ रखी देख ली और अपने साथ लेकर गई हो। मैं आपको उसे मिलवाती हूँ, शायद आपको आपकी बुक वापस मिल जाए। चलिए। जी ठीक है। अरे जागृति। जी भाभी, मैं तुमसे किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये ऋषभ है, पापा जी के फ्रेंड के बेटे, और यह जागृति मेरी ननन। हेलो। हाय। तो आप फिर रमणीक सर की डॉटर? इन्होंने अपनी कोई बुक नीचे रखी थी, तुमने ली क्या? नहीं भाभी, मैं तो काफी देर से अपने रूम से बाहर नहीं आई। वैसे कौन सी बुक थी आपकी? द ग्लास पैलेस। आपकी बुक तो मुझे पता नहीं, पर मेरे पास ये बुक है। एक सेकंड। चाहे तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। थैंक यू। वो क्या ना, जब तक तो कोई बुक खत्म नहीं कर लेता हूँ मन वही लगा रहता है। आपको कैसे पता मैं यही बोलने वाला हूँ? एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे तो ख्याल रहा ही नहीं टेनी का। बंद करके चली गई मेरी। शर्वरी, आपकी शर्वरी यहाँ है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये आज के लिए मेरी पत्नी टेनी। पत्नी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे की माँ की हैसियत से वो आपके साथ पूजा में बैठ रही है। वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारी भाषा में बोलूं तो मस्त। वैसे अगर अमन यहाँ होता तो उसे पता चलता कि वो कितना लकी है। पर है क्या वो? I mean, कल रात से गायब है। बोल रहा था कि सुबह बात करेगा, लेकिन ना उसका फोन लग रहा है ना वो घर पे आया है। पार्थ, शर्वरी, नीचे आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। कोई नहीं काकी, पर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी बाबा, तुम बस तो कुछ बोलना मत और ये घूंघट ऐसे डाले रहना। और आज के दिन थोड़ी देर के लिए मान के चलना कि तुम शर्वरी हो, मेरी जगह पर बैठी हो तुम, पार्थ की पत्नी, टेनी नहीं। एक सेकेंड, वो घूंघट का क्या लॉजिक देंगे हम लोग? यह देना कि शर्वरी अपने शादी के हर मोमेंट को फिर से वैसे ही जीना चाहती है जैसे कि उसकी शादी के दिन जी रही थी, इसलिए घूंघट लेकर आई है पूजा में। क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों खींची चली जा रही हूँ मैं पारस की तरफ? ठीक, चलो। हाँ चलो चलो जल्दी, नहीं तो कोई ऊपर आ जाएगा। ये पोटली मुझे दादी जी ने दी थी, इसमें जाने की सीखे, इसे अपने पास ही रखना, ठीक है? शर्वरी बाबू, पार्थ, बेटा जल्दी आओ ना नीचे। और अब इन झुमकों के हिलने से ऐसा लग रहा है जैसे पार्थ मेरे कानों में कुछ कह रहा हो। इस हार का बंधन ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी भर के बंधन में बंध गई हूं मैं पार्थ से। इसे पहन के ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में आज पार्थ की दुल्हन बन गई हूं मैं। इतना चिपक के क्यों चल रहा? थोड़ा दूर चल। चलो जहां दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा होता है वहां किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। तुम अकेली नहीं, कोई है जिसे तुम्हारे सपनों की, तुम्हारे चाहतों की और तुम्हारी फिक्र है, और वो मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो कितनी भी बड़ी, अगर वो तुम्हारे तरफ आएगी तो रास्ते में मुझे पाएगी। मैं तो भूल ही गया था, ये आज के लिए मेरी पत्नी टेनी। पत्नी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे की माँ की हैसियत से वो आपके साथ पूजा में बैठ रही है। अमन, यहाँ तू कहाँ था अभी तक? तुझे पता नहीं है घर में इतनी बड़ी पूजा है? एक्चुअली बाप, मैं वो अपने बिजनेस के काम से बाहर चले गया था। अच्छा अच्छा, जो भी, अब जल्दी से जाके ऊपर तैयार होकर अपने कपड़े बदल कर जल्दी आ वापस पूजा में। हाँ जल्दी कर। जी शर्वरी, अरे शर्वरी बहू, तुमने घूंघट क्यों निकाला हुआ है? दादी वो शर्वरी ना सब कुछ वैसे ही करना चाहती है जैसे हमारी शादी के वक्त था। अभी घूंघट था तो अभी भी है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आओ। हाँ पार्थ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, अगर पकड़े गए ना तो बुरा रायता फैलेगा पार्थ। तुम क्या कर रही हो? सबके सामने बात मत करो। देख देख, अमन आ गया, मौका पड़ते है इसको सब कुछ बता दे। हाँ हाँ सब बता देंगे, प्लीज चुप बैठ। ओ मिस्टर भानुशाली भाई, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि किसी और की होने वाली बीवी को भगा के लेकर जा रहा हूँ। अरे यार तेरी खुद की बीवी है, ठीक से पकड़। अरे हाथ में हाथ। और ऐसे लेकर जा भाभी को। अरे चल, ये दुनिया का ऐसा पहला होने वाला पति होगा जो अपनी होने वाली पत्नी का हाथ किसी और के हाथ में दे रहे गधेड़ा कहीं का। एंड भाभी आई एम सो सॉरी, इतनी बड़ी पूजा थी और मैं अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए भूल गया था। सो सॉरी यार, मैं अभी चेंज करके आया। ओके आप लोग जाइए। नहीं होंगे। अरे आप दोनों वहां क्यों खड़े हो अभी तक? बेटा आओ ना, बैठो। चलो टेनी, ये टेनी कहाँ है? अरे हाँ, टेनी कहाँ है अमन? कोई नहीं, तू जरा देखकर तो आ टेनी कहाँ है। उसे जल्दी से यहाँ लेकर आ, वो भी तो देखे ये पूजा कैसे की जाती है। कल को उसे भी तो पूजा करनी है। हाँ हाँ बा, मैं अभी बुला के आती हूँ। हाँ जल्दी जा। क्या कर रही हो? इतनी बैठ सकती? पिटने के डर से ना पसीने आ रहे मेरे को। चुप रहो यार। अमन इधर आ। करो बात, घर में इतनी बड़ी पूजा है और ये डगी ऐसे आराम से सोकर मनहूसियत फैला रही है। टेनी चल उठ, रंदल माँ की पूजा में जाना है। ओ, काकी चीज़ दम में जाओ, मेरे को नहीं आना पूजा पूजा में। हो तू ऐसे कैसे बोल रही है? हाँ शौरवरी वो की आवाज खराब थी और तेरी आवाज खराब हो गई। आप जाओ ना, मेरी तबीयत खराब है, आप जाओ। हो मुझे नहीं आना। हो हाँ समझी गई, तेरी तबीयत खराब है, लेकिन इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि तुम नीचे ना आ सके। और सुन, ये रंदल माँ की पूजा कोई छोटी पूजा नहीं है कि आए तो आए, नहीं आए तो चल गया। चल उठ, पूजा में तो तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं कैसे आएगी? नहीं रहने दो ना, मुझे नहीं आना, आप जाओ ना यहाँ से। अरे ऐसे कैसे नहीं आना? आप ही सहारा है रंदल माँ, प्लीज बचा लीजिए मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज।